अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं यूटी फैमिली मेम्बर्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है जी शाही दम बिरयानी। शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन को विनेगर और नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon जितना योगर्ट, 1 tablespoon सोया सॉस की, इससे फ्लेवर जबरदस्त बन जाता है इसका। 1 tablespoon जितना विनेगर, 1 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon विनेगर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर है जी मेरे पास बिरयानी मसाला, शान का मैं बिरयानी मसाला यूज कर रही हूँ। तकरीबन 2 tablespoon जितना जो है बिरयानी मसाला मैं ऐड करूंगी। 1/2 teaspoon जितनी हल्दी, 1 tablespoon भर के रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon भर के मैं नमक ऐड कर रही हूँ। फिर नमक जो है राइस में भी जाएगा और कुकिंग करते हुए भी जो है करी में भी हम ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 teaspoon भर के, सूखा धनिया पाउडर 1 teaspoon, जीरा 1 teaspoon, सब मसालों को इसमें हम डाल। अब इसको जो है अच्छे से जो है मैरिनेट कर लेते हैं। तकरीबन 2 hours जो है इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और चिकन जो है 2 hours के लिए मैंने मैरिनेशन करके रख दिया। तकरीबन 3 टमाटर, अदरक 1 inch का टुकड़ा और साथ में लहसुन की पूरी गट्ठी, सब्ज मिर्ची मैंने डाली है, इनका मैंने पेस्ट बनाया, ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं। और इसको मिक्स करके कुकिंग प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 onion, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। तकरीबन 3 cooking spoon जितना ऑयल इसमें ऐड करूंगी और अनियन को हम कर लेंगे ब्राउन। तो है मैंने चावल बॉईल करने रख दिए हैं। चावल को हम तकरीबन 70% कुक करेंगे और इसके अंदर जो है मैंने साबुत गरम मसाला, नमक वगैरह डाल के चावल को बॉईल करने रख दिया है। अनियन आप देख सकते हैं ब्राउन होने लगे हैं। अभी यहाँ पर इस स्टेज में हम इसके अंदर काली मिर्च साबुत, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च साबुत और जीरा ऐड कर लेती हूँ। जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया हुआ है, टमाटर, तब में अदरक, लहसुन, दही और सारे मसाले जो डाल के हमने इसको रख दिया था। ये शामिल कर लेते हैं इसके अंदर और चिकन को कुक होने तक अच्छे से पकाते हैं। और चिकन भी हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। नमक हमने मैरिनेशन में डाला था और अब थोड़ा सा करी में भी तकरीबन 1 teaspoon जो है वह नमक हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको होने देते हैं कुक। देख सकते हैं ये चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट हो गया है रेडी है ऊपर, और मसाला भी जबरदस्त हो गया और चिकन भी ऑलमोस्ट हमारा कुक हो गया है। 70% जो हमने राइस कुक करके रखे थे वो ऊपर से डाल लेते हैं। धनिया चॉप करके रखे वो शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर है जी मेरे पास लेमन स्लाइस देते हैं, इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे फूड कलर। इस तरीके से इसको अच्छे से कवर करके दम पे रख देना है। शाही दम बिरयानी रेडी हो गई है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। जरूर आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करें। जबरदस्त और यमी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।